विधानसभा चुनाव की प्रचार प्रसार प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब इंतजार है तो कल यानी 8 फरवरी वोटिंग डे का। दिल्ली के सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अब्दुल रहमान ने कहा कि हर आम आदमी को चाहिए कि उसे सस्ती बिजली मिल सके, पानी मिल सके, और वो हमारी दिल्ली सरकार दे रही है। अब्दुल रहमान ने कहा कि सीलमपुर में हमारी सरकार आते ही लड़कियों के लिए सबसे पहली चीज जो की जाएगी वो 2 लाइब्रेरी खुलवाना और लड़कियों के लिए ब्यूटिशियन, सिलाई मशीन, कढ़ाई सेंटर बनवाना ताकि हमारे सीलमपुर की लड़कियां ये सब सीख सकें। शास्त्री पार्क के हॉस्पिटल में सिटी स्कैन मशीन और ज्यादा से ज्यादा बनाए जाएंगे ताकि लोगों को दूर न जाना पड़े। उसके बाद आम आदमी पार्टी के रजा काजी ने कहा कि बीजेपी सबसे पहले अपना उम्मीदवार मैदान में उतारे, उसके बाद तय होगा कि कौन सीएम बनेगा। अब्दुल रहमान ने कहा कि कांग्रेस की पूर्व विधायक चौधरी मतीन 25 साल से सीलमपुर विधानसभा में विधायक रह चुके हैं और आज तक उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई काम नहीं करवाया। 8 फरवरी यानी शनिवार को दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन होने हैं। बीजेपी और एएपी यानी आम आदमी पार्टी की कांटे की इस टक्कर में कौन जीतता है ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी ने सीएम के लिए अभी तक किसी का चेहरा मैदान में नहीं उतारा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह 45 सीटें जीतने की बात करते हैं। खैर, ये तो वक्त और फैसला आने के बाद ही तय होगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। तब तक के लिए देखते रहिए द डेली इंडिया न्यूज। दिल्ली से परवेज शेख की रिपोर्ट। संसद से किसने बोला एनआरसी लाएंगे? और लाएंगे 100% लाएंगे। मोदी जी बोलते हैं कि अभी तो कोई मुद्दा ही नहीं है इसका। तो मेरे कहने का मतलब है सबसे पहले अपना चेहरा लेकर के आओ मुख्यमंत्री का, जो अरविंद यार चेहरे पे तो वोट मत, मोदी जी तो आएंगे मुख्यमंत्री बनने या अमित शाह जी आएंगे गृहमंत्री का पद छोड़ करके। सबसे पहले आपकी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी का अगेंस्ट अगर कोई खड़ा हो सकता है चीफ मिनिस्टर के उसमें रूप में, तो आप लेकर के आइए, जनता के बीच में लाइए, जनता फैसला कर पाएगी ना। ये वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उनको काफी लोग आप प्रधान मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं दिल्ली के, तो उनके बारे में क्या रहा है? देखिए जी, वो तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को आतंकवादी कहते हैं। अरे बताइए, वो आतंकवादी है? अरविंद केजरीवाल जी को आतंकवादी कहना ये समझ लो कि अपनी हार की निशानी है। वो हार कबूल कर चुके हैं। अरविंद जी जिन्होंने इस देश की पूरी राजनीति बदल दी, व्यवस्था बदल दी, उनको आतंकवादी कह रहे हो? जिन्होंने बिजली फ्री कर दी है, पानी फ्री कर दिया है, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं प्रचंड बहुमत से अब्दुल रहमान और आम आदमी पार्टी की सीट निकल रही है। पिछली बार 57,000 वोट आए थे राजेश राव खान को, और इस बार जो वोट आ रहा है कम से कम 75,000 वोट अब्दुल रहमान को और आम आदमी पार्टी को आ रहा है। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो हार चुके हैं, कभी वो कहते हैं कि भाई जो गोली देश के गद्दार हो गोली मारो सालों, मैं कौन गद्दार है देश के? अपने देशवासी को गद्दार कह रहे हो? कभी कोई कहता पाकिस्तान और हिंदुस्तान का चुनाव है? अरे भाई, 8 तारीख के बाद जब 11 तारीख को रिजल्ट आएगा ना, जीतेगा तो हिंदुस्तान ही। लेकिन बीजेपी वालों एक बार बोल देना पाकिस्तान। देश और दुनिया की खबरों को लगातार देखने के लिए द डेली इंडिया न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राजनीति, मनोरंजन और क्राइम से जुड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलें। द डेली इंडिया न्यूज एक कदम आगे।